अग्नि है हमारे बहुत आदरणीय पृथ्वी सिंह बेतड़क, बहुत अच्छे कवि हुए हैं, और नाम तो उसका पृथ्वी सिंह था, बेतड़क उसका पाछे नू ला गया था कि वो बेतड़क था। अंग्रेजा का टाइम था, बड़े बड़े अत्याचार होया करते, लेकिन वो नहीं डरया, इसलिए उसका नाम पृथ्वी सिंह बेतड़क पड़ा, जिसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा होनी थी। भगत सिंह की माँ अपनी 6-7 सखी सहेलियां इकट्ठी करके नु बोलिए, चलो आज मेरे बेटे भगत सिंह को फांसी दी जाएगी, और चलो हम अपने बेटे को हौसला देने के लिए चलेंगे। जब फांसी की बात सुनी तो सारी सखी सहेली रोन लगी, और वो भगत सिंह की मां नुबली, है छोरी हो रोना नहीं है, नुबली री तू किसी लुगाई है, तेरे बेटे को आज फांसी की सजा होनी है, और तू नुकर रोना नहीं है, और क्या करना है। तो वो भगत सिंह की माँ उन सारी सखी सहेलियों को संबोधित करती है, उनके अंदर जोश भरती है, नुबली मैं बताऊं वो काम करो, के समझा ला के बता बोला, भगत मेरा फांसी चढ़े, नुबली री तू किसी लुगाई है, मंगलाचार तो मंगल के गीत जब को बयान जागर जब गाए जागर, नुबली थोड़ी हो यू मान लो आज मेरे बेटे भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का ब्यास है, और जब वो तीनों चलेंगे जब के हो जाएगा नंबर एक पे, ये कह लगी संग में राज गुरु सुख देव चले, सुखदेव चले हे उस ब्रिटिश के शासन की नींद ले, हे सखियो छा जागी अजब बहार, भगत मेरा फांसी चढ़े। यो भजन तारे बजाए चाची ताई बहन भाई बुआ जितनी भी बैठे तमने सुनना चाहिए, वो भगत सिंह की मां ने बोली है छोरी हो आज मेरे बेटे भगत सिंह की शादी है, और नो बोली री शादी खातर तो वरमाला भी चाहिए, कोई दुल्हन भी चाहिए, वो भगत सिंह ब्याह के किसने लिया होगा, नुबलिया नंबर दो पे सुनो, मेरा बेटा भगत सिंह
किसने भी आगे लिया हुआ के बता दिया बोली उनके हाथ तकड़ी बन जा कांगना और नु बोला दुल्हन का के जे करा है नु बोलिए बेटी आज तक का इतिहास है कि कोई भी दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए बरात लेके अपने घर से उस दुल्हन के घर पर जाकर पर आज आज यू चाला न्यारा पटेगा कि दुल्हन का नाम दर दिया मौत का और वो मौत मेरे बेटे भगत सिंह ने राजगुरु सुखदेव ने लेना होगी दुल्हन आवे गिले वन मारे आंगना इनके घर में तो पुलासा हारे भगत मेरा फसी चढ़े मेरे वतन के लोगों नाम ले हमारे आदरणीय सत्य शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी आज जो ये खुला वातावरण है जिसमें हम सांस ले रहे हैं ये हमारे 23, 24, 25 साल के छोरे खपरे हैं जब जाके आजादी मिली अरनाता गाने आजकल भी हैं उनका न्यारा फड़दूला काम चल रहा है डीजे असल तो किसे छोरा का ब्याह हुंदा ही से रहा क्यों नौकरी तो रही गोरी नौकरी बिना ब्याह कड़े हैं एक और चाला है अजमाए के देख लियो चाहे हाँ ना इन तो छोरी भी बतेरी होनी ऊँह चाला हो रहा सुन तो लो चाला के है लोगा ने बस चाहिए प्राइवेट स्कूल चाहिए प्राइवेट अस्पताल भी प्राइवेट बंदड़ा सरकारी पता कटता होगा सरकारी सी नकम्मी है नौकरी छोड़िए को नहीं एक न्यू कया करते पर रेलवे की नौकरी सेंटर की नौकरी है या नहीं लेकिन दादा ले पोता वर्त ऐसा काम है वह सेंटर वाली नौकरी भी बेच दी मोदी ने किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाके पानी का गिलास भी बिना पीछे नहीं पी सकते ऐसा करना काम कर दिया बता नौकरी आऊँ थी कटता गहना जकर कहूँगा मैं ब्याह सब तो शूट किसे का बैठता नहीं रजे बैठ जे फिर छोरा कट जाएगा तो बाबू अका मैं डीजे बिना घोड़ी बन चढ़ूंगा फिर उसका बाबू ने बोला अरे मसा तो रोटी की रोटी बदलाई है चढ़ जे बेटा अगर ना डीजे तो लियावागा जे मैं चढ़ जूंगा घोड़ी बनी टाल इबो के करा बेचारा उतनी दुखी होगा डीजे भी लेना पड़े डीजे लिया वह डीजे पे एक भी गाना ऐसा नहीं जिसने भाई बेबे चाचा ताऊ बुआ कट्ठे होकर सुन ले पहला सर ये गाना आकरदा अख्तरी कोठी चंडीगढ़ शहर में बनवाई दू उसका बाबू हेरा था कैल में बोले गोखड़ी का ढारा गला दे मोरा जटाई कोठड़ी ने तो रहने दे फिर सारे आना आने के बाड़ा को आगरे मित्र प्यारे उसमें गाना बजवा लिया आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है वहाँ फिर नचते और भीतर था 70-80 साल की बुढ़िया छोरे की दादी डोगा ले आओ कोटी कोटी जनू महात्मा गांधी की बेबे है काले चश्मे लहरी वहाँ भी नुए कहा आज मेरे यार की शादी है अरे मगर ताई तो भी डूब की देखिए तेरा तो पोता का ब्याह है और तेरा आने के तो रूख भी सूख के तो लग भी उड़े खड़ी है एक भी गाना ऐसा नहीं है जो सुनने के लायक हो यो भी
एक गाना ही ई पास याद है बोलिया मित्रा नु शौक हथियारा का गंठे गिलास गला काट करा शौक हथियारा गिर रहे इसे इसे मतलब ये भी ठूड़ता है और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जो रग ने आ करते जिसने भजन कहा करते रागनिया में भजना में ये हमारी चाची ताई गा करते राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बनखंड वह भी भजन थे। लक्ष्मी ब्राह्मण की रागनी मेहर सिंह की रागनी मांगे राम की रागनी सुनने के आकृति तो सारा कुंबा बैठ कर कट्ठे सुन लो कि मैंने किमें ज्ञान की बात लिखड़ा कर दी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा कद दुख न धो जाएगी कई सांझ की साधु संतरी साक्षी भी हो जाएगी एक एक टैक में सब किमें गौ की सेवा ब्राह्मण की सेवा साधु की सेवा उत्तम सेवा बताई गई है। आ जड़े ने बेरे भी मैं तेरा साला तू मेरा साला ये गाने नंबर तीन पे वो भगत सिंह की माँ नुबली सखियो कांगने के बाद का जकरा नुबली जो तू वरमाला का जकरा करे थी बनरा बनड़ी वरमाला का लिया करे वह गलत आओगी अवन की जगह के होगा। नंबर तीन पे के समझा लगी भगत सिंह की माँ मारी नजर मैं लिए हुए दो दो तीन तीन खाए गए। चलो वो प्रसाद था सबने लेना चाहिए हंसी मजाक की बात है। एक बार दोनों हाथ से देख रहे करके मैं बोलूंगा किसान मजदूर एकता आपने कहना है जिंदाबाद। क्या बात सही बोलते भाई कटाकट से हाँ हना भी एक आधा मानस न तो ऐसे मुद्दे तो जहर से दूसरा भी हंसला है फिर क्यों दांदरे पाड़े है बताओ उसके के भी लाभ है भाई हंसना चाहिए मानस ने हंसते भी घनी है बीमारी दूर हो जाए। नंबर चार पे जब इतना वाक्य होया उस भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई और जब फांसी दी गई तो एकदम से ऐसा माहौल हो गया जैसे यहाँ कोई नहीं है। नंबर चार पे कवि ने के प्रार्थना करी के बता दिया से
शहीदों